पिकअप मार दो ओके कर दो ट्रेन जा रहा है आई एम हियर आई हैव सीन यू ऑन मूवीज फाइनल नहीं हो ना सच में नहीं हो आपकी शादी में जो संग्राम जी से मिले ठीक है पिकअप मार दो ठीक है ऐसे ही अच्छा पिकअप पहले मारो सर ट्रेन जा रहा है हाँ ठीक है मैं मार देता हूँ बारिश हो रही है नहीं ज्यादा नहीं हो रही बारिश ज्यादा नहीं हो रही नहीं मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप स्टार्स के सभी स्टार्स को धीरे धीरे करके मिल रहा हूँ मैं खुद यहाँ पर काम के लिए विकास जी नाम याद रखिए विकास जी डिलीवरी बॉय को हायर करना बड़ी बात नहीं है बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन डिलीवरी बॉय टू डिलीवर ऑन अंधेरी स्टेशन बिकॉज उसको पता नहीं होगा कौन सी बोगी को कैसे रिकग्नाइज करना है कौन सी बोगी में बैठा है उसको रिकग्नाइज करना है ठीक है वो तो लोकेशन के हिसाब से जाता है मगर लोकेशन अगर प्रॉपर नहीं है रेंज अगर प्रॉपर नहीं है तो जो जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ हैं जिनको ट्रेन किया हुआ है कि स्टेशन पे ये ट्रेन ये प्लेटफॉर्म पर आती है यहाँ पे देखना है बोर्ड से इंफॉर्मेशन और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे जाके ये स्टेशन के ये ट्रेन के ये बोगी में डिलीवर करना है अगर स्टेशन के ऑर्डर होते हैं तो वो जोमेटो ने अपने बॉयज़ को ट्रेन कर रखा है सो वाई इज़ रेलवे बिहेविंग सो डिफ़िकल्ट उनको अगर काम करना है तो काम करे ना एंड जोमैटो इज ऑल्सो अर्निंग मनी नो कमीशन दे आर अर्निंग विद द एसोसिएशन सो वाई शुड आई टॉक टू एनीबडी आप बात करो यहाँ पे मैं किसी को हायर भी करती हूँ मगर उसको ट्रेन कौन करेगा स्टेशन पे कैसे डिलीवर करना है डू यू अंडरस्टैंड So the station people also should do a conversation with Zomato directly. After all, it's a money situation, no? दो पैसे वो कमाएंगे, दो पैसे मैं कमाऊंगी. मैं अपने delivery boy को कैसे train कर सकती हूँ? Station पे कैसे trains को identify करना है, bogie को कैसे identify करना है? And they should have not put Zomato on their landing page. जो बोल रखा है जोमैटो के साथ टाई अप है तो क्यों नहीं कर रहे 5 किलोमीटर्स के अंदर 4.3 किलोमीटर्स के अंदर लोकेशन है क्लाउड किचन की तो क्यों नहीं कर रहे ये तो किसी को परेशान करने की बात हुई नहीं अच्छा है मैं घर से ही समझ रही हूँ सब कुछ अदरवाइज किसी ने कोई शॉप ली होती सेंट्रल किचन बनाया होता मतलब ये तो सामने वाले को फंसाने वाली बात है ना बी मेकिंग सो कॉल्ड हेल्दी एग्स का ऑमलेट तो मतलब एग वाइट का ऑमलेट ओनली सॉल्ट एंड पेपर दे से इट इज लाइव हेल्दी एग्स फ्रेश ओ बिग बास्केट का है ओके इट इज बेटर देन टेकिंग फ्रॉम रैंडम वेंडर्स हु कम आउटसाइड माय हाउस एंड हैव बीन गिवन एंट्री इन माय बिल्डिंग ये बेबी यूजिंग कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मूंगफली का ठीक है ऐसा होता है Oil is not filtered using any chemicals or solvents. Cold pressed oil. Okay. Having anda and bread. It is egg white, huh? Yellow ko maine nikal diya tha. And I'm having some ketchup of Home Chef. Wow. Home Chef, I'm promoting you. You haven't done a collaboration with me. It's just that I'm in a good mood today. Yeah. So that's my breakfast today. Protein day. Yeah, baby. बहुत सारे है ना एग्स के डिशेस रखने हैं बिकॉज एग इज समथिंग दैट आई ईट एंड आई रियली लाइक एग वाइट एंड एग इज हेल्दी यू नो एंड सूरत में एग के बहुत डिशेज हैं एग के डिशेज सो इट्स जस्ट दैट वंस आई जस्ट ओपन माई हेयर बिकॉज आई थॉट आई शुड डू दैट
सो या एग के बहुत सारे डिशेज मिलते हैं सूरत में. सो आई वॉन्ट टू हैव एग एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी हसल. ये दूसरी बात है कि पीपल आर इन्फोर्सिंग जैन फूड सेक्शन एंड नॉर्मल फूड सेक्शन एंड नो एग सेक्शन ऑन मी. बट एग कैन बी अ डिफरेंट सेक्शन, नॉर्मल फूड कैन बी अ डिफरेंट सेक्शन, जैन कैन बी अ डिफरेंट सेक्शन. दैट इज इफ आई हैव जैन ऑर्डर्स, बिकॉज राइट नाउ आई कैन नॉट मेक अ डिफरेंट जैन सेक्शन अनलेस एंड अंटिल आई हैव एन ऑर्डर फॉर दैट. ठीक है ना, मैं अलग सेपरेट किचन नहीं बना सकती बिकॉज आई हैव टू अंडरस्टैंड लॉजिस्टिक्स, बिकॉज एक्सपेंसिस ज़्यादा करके जस्ट बिकॉज पीपल टेल यू कि मैडम आप तो सेलिब्रिटी हैं, आप ये बिजनेस कर रही हैं, आपको ये भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए. जी हाँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, इसलिए ऐसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग क्या करते हो सेलिब्रिटीज़ को बेवकूफ़ बना के बिजनेस में ला के. बट बिजनेस करना सबका राइट है एंड एज अ ह्यूमन बींग आई हैव अ राइट टू डू बिजनेस एंड लर्न बिजनेस. बट मैं सेलिब्रिटी की तरह बिजनेस नहीं कर रही हूँ, मैं पायल रोहतगी की तरह बिजनेस कर रही हूँ. और पायल रोहतगी सेलिब्रिटी लेवल से बहुत ऊंचा ब्रांड है जिसको थोड़ी बहुत समझ है कि क्या सही है क्या गलत है ना. बाय द वे, आज मसाज करना, आई एम टायर्ड. फेस मसाज, फेस फेशियल एंड बॉडी मसाज. ये बेबी, ये इनका दूसरा कैफेटेरिया है विच इज लाइक डन वेरी वेल कंपेयर टू द अर्लियर कैफेटेरिया. इट्स अ न्यू प्रॉपर्टी, इट्स अ न्यू प्रॉपर्टी ना, पृथ्वी थिएटर की तरह बना देना. हाँ, इसको पृथ्वी थिएटर की तरह बना दो, कहा ना. हाँ, पूरा कवर करके. सो दिस इज द आउटसाइड पार्ट एंड दिस इज द इनसाइड पार्ट. तो बट यहाँ पे ओके, नाउ दस IRCTC गाइज हैव रिप्लाइड दैट 7.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में, रेडियस में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जिनको ई केटरिंग करना है अंधेरी स्टेशन पे, वो कर सकते हैं. मगर फ़ोन पे तो उन्होंने मुझे बोला था 5 किलोमीटर. अच्छा, फ़ोन पे 5 किलोमीटर बोला, ईमेल पे 7.5 किलोमीटर बोला. इसलिए ईमेल कम्युनिकेशन बेटर है क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट्सअप कम्युनिकेशन, फ़ोन कम्युनिकेशन का कोई स्टैंडिंग नहीं है ना इन द कोर्ट ऑफ लॉ. Anyways, they are saying that they don't have Zomato and Swiggy delivering at Andheri station. मगर Zomato Swiggy का तो मेरा tie up है, तो Andheri station के आजू बाजू जिसको भी order चाहिए होता है वो तो मेरे यहाँ से order लेते हैं. मैं तो ये सोच रही थी कि उनके platform पर आने वाले trains के passengers को कुछ फ़ायदा हो और उनको घर जैसा खाना मिले, क्योंकि मेरे जितने भी clients हैं 12 kilometers के radius से वो खाना order कर लेते हैं via Zomato and Swiggy. अब स्टेशन पे भी कोई अगर बैठा होगा, उसको हेल्दी हसल के बारे में पता होगा, तो वो Zomato की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर लेगा, स्विगी की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर लेगा. अब इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट के ऊपर मैंने सोचा हेल्दी हसल का टाइप कर लेते हैं, सो दैट जो पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर आ रहे हैं वो पैसेंजर्स को हेल्दी घर जैसा खाना मिल जाए, दो हु डोंट वॉन्ट टू ईट द स्टॉल का खाना ऑन द स्टेशन यू नो एंड ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म. तो मैंने तो उनकी भलाई के लिए सोचा कि अंधेरी स्टेशन पे भी टाई अप कर लेते हैं, जबकि मुझे पता है कि अंधेरी स्टेशन पे ज़्यादा मॉल ट्रेन्स नहीं रुकते. मॉल या मेल, दैट्स द वर्ड फॉर इट, मतलब ज़्यादा ट्रेन्स नहीं रुकते, तो ज़्यादा जो पैसेंजर्स है ट्रेन के अंदर वो ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू हैव टू कीप दैट मार्जिन ना. ऑर्डर किया फिर डिलीवरी हुई, अब मैं अपने पर्सनल डिलीवरी बॉय को हायर करूँ और वो भागता भागता जाए और उसको प्लेटफॉर्म का मैपिंग ही नहीं पता, उसको मैं आई कार्ड भी दे दूँ मगर उसको मैपिंग ही नहीं पता, तो बेचारे कस्टमर का पैसा वेस्ट हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड, बिकॉज कस्टमर तो ये सोच के बैठा है कि मेरे को अच्छा खाना मिलेगा, एंड रेलवे के कस्टमर्स कोई बहुत रिच तो होंगे नहीं, बेचारे हार्ड अर्नड मनी से अच्छा घर जैसा खाना ऑर्डर करना चाहेंगे. तो अब उनके हार्ड अर्नड मनी का मिसयूज़ ना हो मेरे डिलीवरी बॉय की वजह से, बिकॉज अगर वो सही टाइम पर नहीं पहुँचा ट्रेन के पास, कोच के पास, और उसने डिलीवर नहीं किया खाना, तो बेचारा वो ट्रेन तो चली, तो वो पैसेंजर तो चला जाएगा, बिकॉज ट्रेन चली जाएगी, बिकॉज ट्रेन का हॉल्ट ऑन अंधेरी स्टेशन कम टाइम के लिए होगा, और मेरे पर्सनल डिलीवरी बॉय को मैं ट्रेन करते करते थक जाऊंगी, बिकॉज वो कभी भी स्टेशन की मैपिंग नहीं समझ पाएगा. ही हैज़ टू बी ट्रेन्ड बाय द पीपल हु आर डूइंग डिलीवरी ऑन द स्टेशंस, यू अंडरस्टैंड. सो या तो मुझे कोई हल्दीराम के या कोई दूसरे कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा जिनके पास डिलीवरी बॉयज हैं जो ट्रेन्ड है यू नो रेलवे पे डिलीवरी करने के लिए और कोच को लोकेट करने के लिए, ट्रेन को लोकेट करने के लिए. अब मुझे नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन आती है, मुझे तो ट्रेन का नाम तक नहीं पता, तो मैं कैसे डिलीवरी बॉय को बोलूँगी कि देखो पता है कि वो स्टेशन पर जाना है, वो प्लेटफॉर्म पर जाना है, वो कोच का ऑर्डर है, देखो डिलीवर करना है. सो आई नीड समबडी फ्रॉम दैट जोन टू हेल्प मी, who's already doing delivery at the station. So let me figure it out.
अदरवाइज वील वेट ना फॉर जोमेटो एंड स्विगी टू एक्टिवेट देयर डिलीवरी ऑन अंधेरी स्टेशन. कोई बड़ी बात तो है नहीं, उनको खाली आई कार्ड बनाना है. उनके बॉयज को तो पता है स्टेशन पे डिलीवरी कैसे करते हैं. अब उनका और रेलवे का कुछ इंटरनल मैटर होगा, पैसे वैसों का मुझे क्या पता. आई कैन नॉट गेट इनटू एवरीबॉडीज लीगल मैटर्स ना. सो आई विल वेट एंड वॉच. बट कितना सही है ना, ईमेल पे बोला 7.5 किलोमीटर्स, व्हाट्सअप और फोन पे बोला 5 किलोमीटर्स. मतलब 7.5 किलोमीटर्स के रेडियस पे कोई भी क्लाउड किचन रेलवे पे ई केटर कर सकता है सबमिट करके एप्लीकेशन. बट people want to just kind of, you know, project it as if forget it pal. So bhagwan jo bhi karta hai theek karta hai. Main koi aise koi random delivery boy ko hire nahi kar sakti. I have to hire a delivery boy who knows how to map the stations and how to identify trains and coaches at the station. Theek hai. And it's not such a great thing because andheri station pe bahut kam trains rukti hai. वेरी लेस ट्रेन्स. तो पैसेंजर्स जो उन ट्रेन्स के अंदर होंगे वो ही ऑर्डर करेंगे वेबसाइट का इस्तेमाल करके. बट वेबसाइट सभी लोग यूज कर सकते थे जो रेलवे की वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं. मगर अगर रेलवे को ये बात समझ नहीं पड़ रही तो मैं बार बार क्यों उनको बोलूँ. हेल्दी हसल इज तो ऑलरेडी एक्टिव ऑन जोमैटो, हेल्दी हसल इज तो ऑलरेडी एक्टिव ऑन स्विगी. हेल्दी हसल डजंट नीड टू बी एक्टिव ऑन रेलवे की वेबसाइट. इट इज एक्टिव ऑन रेलवे की वेबसाइट फॉर रेलवे के पैसेंजर्स जो ट्रेन के अंदर है. अदरवाइज स्टेशन के आजू बाजू कितने सारे लोग हैं वो सब तो जोमैटो की वेबसाइट पे जाके हेल्दी हसल से खाना ऑर्डर कर सकते हैं 12 किलोमीटर्स की रेडियस के अंदर. समझे कि समझाऊं, है ना. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऐसे ही बिजनेस में एक्सपेंसेस नहीं लेते जब तक आपकी रोटेशन एस्टैब्लिश नहीं होती. समझे. ओके बाय बाय. और ये सोसाइटी के अंदर ये लोग किसी को भी भेज देते हैं यार, इंटरकॉम करे बिना, माई गेट कॉल करे बिना. सिक्योरिटी भाइयों को भी पूछो भैया कौन से फ्लैट में जा रही है और रोज उनकी एंट्री करवाओ. हमारे सुंदरवन में माई गेट बहुत सालों से है. एवरी डे द मेड क्लीनर कुक उनकी एंट्री होती है माई गेट में, चाहे वो हमारे घर में कितने सालों से काम क्यों ना कर रहे हो. आप हमारे रेगुलर स्टाफ की भी एंट्री कराइए माई गेट एप्लीकेशन में, रैंडम स्टाफ की भी एंट्री कराइए माई गेट एप्लीकेशन में. ऐसे ही लोगों को मत भेज दीजिए ऊपर जो वर्बली आपको बोलते हैं ये फ्लैट में जाना है वो फ्लैट में जाना है. जो रेगुलर स्टाफ आ रहा है फ्लैट्स के अंदर उनकी भी रेगुलरली एंट्री होनी चाहिए माई गेट एप्लीकेशन में. और जो नया जॉब ढूंढने वाला स्टाफ आ रहा है उसकी भी एंट्री होनी चाहिए माई गेट एप्लीकेशन में. कोई भी किसी का भी नाम ले लेगा, प्रेस वाला, इस्त्री वाला, सब्जी वाला, और मुझे लगेगा कि वो नोन कॉन्टैक्ट से आया है. सो डोंट डू दैट. ओके सिक्योरिटी ऑफ पर्ल हाइट्स पैसे दे रहे हैं आपको, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं और साथ में रिपेयर फंड भी दे रहे हैं मेंटेनेंस के हेडर के नीचे.